नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। हरदोई के ब्लॉक पिहानी ग्राम सभा अरुआ पारा के अरुआ में प्राथमिक विद्यालय में जो सुंदरीकरण प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा कराया जा रहा, उसमें आज जब गांव के लोग देखने गए तो देखा जो भी काम हो रहा सरकार के मानक के हिसाब से नहीं हो रहा। इसकी खबर जैसे ही भाकियू लोकतांत्रिक के संगठन को लगी तो मौके पर सत्यवीर सिंह रिंकू अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो सीमेंट लगी है सब रोड़ीदार सीमेंट लगी है। जो फर्श में नीचे गिट्टी डाली जाती है उसकी जगह पर पुरानी फर्श तोड़ी गई, गिट्टी डाली गई। वहां पर जो भी टाइल्स लगाई गई वो भी सब सीमेंट रोड़ीदार हैं। इसकी भाकियू लोकतांत्रिक जिला प्रशासन से मांग करती है कि काम तत्काल रुकवाया जाए और जो इस काम में दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, जो भी मानक के हिसाब से मसाला लगता है वैसा लगवाया जाए, चेकिंग की जाए और अच्छी सीमेंट अच्छा कार्य कराया जाए। तब तक के लिए काम बंद कराया जाए, दोषियों पे कार्रवाई हो, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन व रोड पे धरना प्रदर्शन व ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। ग्राम पंचायत अधिकारी तेज राम पे कार्रवाई करने की मांग भी करती है, जबकि अरुआ ग्राम सभा में लमसम 80 लाख रुपया फर्स्ट खाते से निकाला गया है जिसकी आज तक कोई सुनवाई कोई कार्य कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। ये हालत आप लोगों के सामने पड़ी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए कैसी व्यवस्था है। ये ग्राम सभा अरुआ पारा की व्यवस्था है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान की मिली भगत से ये कार्य कराया जा रहा है। ये देखिए गाँव के व्यक्ति भी लोग भी खड़े हुए हैं। इन लोगों ने जब बताया कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही गंदी सीमेंट खराब सीमेंट से काम कराया जा रहा है, तब जाके हम लोग यहाँ आए देखे हैं तो आप लोगों के सामने है सीमेंट बिल्कुल जाम बोरी है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक खंड विकास अधिकारी महोदय, जो ग्राम सभा अरुआ पारा ब्लॉक पिहानी में प्राथमिक विद्यालय में सुंदरीकरण का काम कराया जा रहा है, जबकि एक तरफ उत्तर प्रदेश की मंशा सरकार की मंशा है कि प्राथमिक विद्यालयों में सुंदरीकरण कराया जाए, अच्छे से कराया जाए, जहाँ पे आज ग्रामीणों ने जब बताया तो भाकियू लोकतांत्रिक जब वहाँ पहुँची संगठन के लोग पहुँचे तो वहाँ पे देखा जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है वो सब आप सबके सामने है। आप इसमें न्यूज पे भी देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं, जो सीमेंट वहाँ लगी हुई है बिल्कुल सीमेंट बिल्कुल ही बेकार सड़ी हुई सीमेंट लगी है जिसमें रोड़ियाँ भी हैं और जो कल टाइल के टुकड़े लगाए गए हैं वो आज जैसे ही देखें तो तुरंत अलग हो जाते हैं, सब भुर्राटेदार मसाला लग रहा है, कोई मानक नहीं कोई कुछ नहीं। एक ग्राम पंचायत अधिकारी तेजराम व प्रधान प्यारी ने जो कार्य करा रही हैं इसकी तत्काल मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, खंड विकास अधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि इस पे तुरंत ही कार्रवाई की जाए और काम को रुकवाया जाए और जो मानक के अनुसार मसाला लगना चाहिए वो लगाया जाए। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक की मांग है। मैं सत्यवीर सिंह रिंकू पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाकियू लोकतांत्रिक पिहानी इसकी मांग करता हूँ, अंततः भारतीय किसान यूनियन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए धरना प्रदर्शन के लिए भी मजबूर होगी और योगी सरकार की आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां ग्राम सभा अरुआ पारा में, जबकि यहां पे जेसीबी की मशीन से नाली की खुदवाने का भी कार्य किया गया था, आज तक कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है, जिसके लिए भाकियू लोकतांत्रिक मांग करती है कि जल्द से जल्द ये काम रुकवाया जाए, मानक के हिसाब से काम कराया जाए। जितना काम हो चुका है उसमें जितना भी गलत मसाला लगाया गया है उसके सबके दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान पे कार्रवाई की जाए, भाकियू लोकतांत्रिक मांग करती है। जय जवान जय किसान। हरदोई ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट।